हे गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि जितने स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी लोग पढ़ेंगे, मतलब जेईई सीयूपी का फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने एग्जाम दिया है फ्रेंड्स, और उसके बाद आप सभी लोग का इस समय फ्रेंड रिजल्ट भी आ चुका है। अब फ्रेंड्स, जो आप सभी लोग का रिजल्ट आने के बाद जो फ्रेंड्स प्रोसेस होगा, फ्रेंड्स होगा काउंसलिंग का। बट फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के मन में फ्रेंड्स यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे सवाल थे, और फ्रेंड्स मैं आप सभी लोग को फ्रेंड जैसे मुझे टाइम मिला फ्रेंड्स, आप सभी लोग की काउंसलिंग को लेकर मैं पर सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इसमें फ्रेंड्स मैं आपसे एक एक करके सभी डाउट काउंसलिंग से रिलेटेड फ्रेंड, काउंसलिंग क्या होता है और फ्रेंड काउंसलिंग से रिलेटेड सब कुछ मैं आप सभी लोगों को इस एक ही वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग बिना इसके फ्रेंड वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सभी लोग को यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो फ्रेंड जेईई सीयूपी मतलब कहीं ना कहीं यूपी पढ़ने का जो फ्रेंड्स काउंसलिंग है ये कब से होगा। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि देखिए, जो फ्रेंड जेईई सीयूपी का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी लोगों का जहाँ पर स्कोर कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं रैंक कार्ड, आप सभी लोगों का रिजल्ट और फ्रेंड एडमिट कार्ड, यही दो ऑप्शन फ्रेंड्स सभी आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट फ्रेंड मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि फ्रेंड बहुत जल्द, मतलब कल या परसों से फ्रेंड्स आप सभी लोगों को आपका ऐसे काउंसलिंग का जो फ्रेंड डेट है, मतलब कहने के वो ऐसे ये बता दिया जाएगा कि आपका काउंसलिंग का जो फ्रेंड प्रोसेस होगा वो कितने चरणों में होगा। आप सभी लोगों को फ्रेंड ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फ्रेंड बहुत जल्दी आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप सभी लोगों का काउंसलिंग कब से और कितने चरणों में होगा। अब फ्रेंड्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर, जो यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन होता है फिर ऑफलाइन। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि देखिए, जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो फ्रेंड्स यहाँ पर यूपी पढ़ेंगे, मतलब कहीं ना कहीं जी कप जो आपका है, जेईई सी यूपी का, इसका जो फ्रेंड्स काउंसलिंग प्रोसेस है, इसमें फ्रेंड्स कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी लोग से एग्ज़ाम दिए हो जेईई सीयूपी का, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो स्टूडेंट फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर इसमें यहाँ पर भागीदार रहने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप सभी लोग इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आप सभी लोग का काउंसलिंग प्रोसीजर है फ्रेंड्स वो क्या रहने वाला। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोग को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने अपना एग्ज़ाम दिया फ्रेंड्स, और आप सभी लोग का फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब फ्रेंड्स आप सभी लोग के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप सभी लोग की रैंक बनी होगी, और फ्रेंड्स आप सभी लोग के रैंक के अकॉर्डिंग आप सभी लोग को फ्रेंड्स कॉलेजेस दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कॉलेजेस कैसे दिए जाएंगे फ्रेंड्स, इसके लिए आप सभी लोग को एक काउंसलिंग प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप सभी लोग को यहाँ पर आपको अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, और आप सभी लोग को कोई ना कोई से, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको गवर्नमेंट, या फिर अगर आप लोग प्राइवेट चाहते हो तो फ्रेंड प्राइवेट, या फ्रेंड्स एडेड, फ्रेंड्स आप सभी लोग से कॉलेज यहाँ पर चूज करोगे कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए और किस किस ब्रांच में चाहिए। देन फ्रेंड्स आप सभी लोग के रैंक के अकॉर्डिंग आप सभी लोग को एक जेन्युइन तरीके से कोई एक कॉलेज और एक ब्रांच का कोई एक कॉलेज आप सभी लोग को दे दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर से ब्रांचेज क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो में अपने ऐसे बता ही दिया था कि ब्रांचेज क्या होती हैं, जो फ्रेंड डिप्लोमा होता है ये फ्रेंड्स कहने के एक इंजीनियरिंग का फ्रेंड पाठ्यक्रम होता है, जो फ्रेंड ग्रुप ए से स्टूडेंट होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कहने के इसे बहुत सारे फ्रेंड जैसे ब्रांचेज, जैसे फ्रेंड बात की जाए जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हैं, सब ब्रांचेज हैं। इसमें फ्रेंड बात की जाए इसे आप सभी लोगों को फ्रेंड आपकी कौन सी ब्रांच अच्छा है, तो आप सभी लोगों को मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड कहीं ना कहीं अपने आप में सबके सब ब्रांच अच्छा है। ऐसा मैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में आप सभी लोगों को ज़्यादा नॉलेज जैसे या फिर ज़्यादा ग्रो करने का ऐसे फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मन कह रहा हो, तो फ्रेंड्स वो आप सभी लोग इसे फ्रेंड चूज कीजिए, वो आप सभी के लिए वो क्षेत्र फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे फ्रेंड मान लीजिए कि आप सभी लोगों को मशीनरीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो फ्रेंड्स और अगर आप लोग फिर इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इससे फ्रेंड जो है मैकेनिकल ब्रांच है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मान लीजिए फ्रेंड्स आप सभी लोग का फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में फ्रेंड ज़्यादा से मान लीजिए थोड़ा क्षेत्र में आप सभी लोग रुचि है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पर चूज कर सकते हो। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेज रहने, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर जो फ्रेंड गर्ल्स होती हैं फ्रेंड फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट, मतलब कहीं के जो फ्रेंड एक ब्रांच है फ्रेंड टेक्सटाइल डिजाइन, वो भी फ्रेंड्स आप सभी लोग से चूज कर सकते हो। उसके बावजूद फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप सभी लोगों का केमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा यहाँ पर लुक है, तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड टोटल अगर फ्रेंड बात की जाए डिप्लोमा में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 82 मतलब कहने के जैसे फ्रेंड सिर्फ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज में यहाँ पर 82 ब्रांचेज रहने वाली हैं। दोस्तों आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग अपने इच्छा के अनुसार कोई एक अच्छा ब्रांच और एक अपना कॉलेज यहाँ पर चूज कर सकते हो। उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी लोग को काउंसलिंग प्रोसेस में जिस ब्रांच में आप सभी लोग कॉलेज चाहते हो उस ब्रांच आपको चूज करना है, और आपको अपना एक कॉलेज चूज करना है। ये फ्रेंड्स मैं आप सभी लोग को जैसे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आप सभी लोग को काउंसलिंग करना कैसे है। आप सभी लोग अपने मोबाइल से अपना काउंसलिंग कर सकते हो।
बट फ्रेंड्स कब जब आप लोग फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो ही फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग सारी चीज़ अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब तक फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यहाँ पर यूपी पढ़ने में कोई एक सीट यहाँ पर आवंटित नहीं हुआ तब तक आप सभी लोगों को कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर्स को फ्रेंड फॉलो करना होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यहाँ पर रिजल्ट तो आ ही गया, उसके बाद फ्रेंड्स अब आप सभी लोगों का फ्रेंड्स एक प्रोसेस होगा काउंसलिंग। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप सभी लोग काउंसलिंग प्रोसेस फ्रेंड यहाँ पर करते हो फ्रेंड्स इसमें आप लोग कॉलेज चूज करते हो, उसके बावजूद फ्रेंड्स आप जो यहाँ पर कॉलेज चूज किए रहोगे उन्हीं में से कोई एक कॉलेज किसी एक ब्रांच में जो आप लोग चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को कोई एक कॉलेज दे दिया जाएगा जहाँ से आप सभी लोग सीट यहाँ पर अलोकेट मतलब कहीं ना कहीं लोक हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी लोगों की कोई एक सीट जेन्युइन तरीके से जो आप सभी लोग चूज किए रहोगे उसी में से आप सभी लोगों को एक सीट दे दी जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो फ्रेंड्स यहाँ पर यूपी बोर्डिंग का जो फ्रेंड्स काउंसलिंग होने वाला है 2022 का ये फ्रेंड्स कितने राउंड में होगा। कितने राउंड का फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए फ्रेंड्स आप लोगों ने एक बार काउंसलिंग कराई और जितने कॉलेज आप लोगों ने चूज़ किया उसमें से आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो फ्रेंड्स आप लोग फिर यहाँ पर काउंसलिंग कराकर दूसरी बार आप सभी लोग अपना प्रेफरेंस चूज कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं फिर से आप लोग अपना मनपसंद कॉलेज यहाँ पर चूज कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि देखिए फ्रेंड जो अपने प्रीवियस ईयर सेशन रहा उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर 8 राउंड काउंसलिंग हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप लोग को एक बार कॉलेज नहीं मिला फ्रेंड्स तो आप सभी लोग 8 बार काउंसलिंग प्रोसेस करके अपना मन चाहा कॉलेज और मन चाहा ब्रांच आप सभी लोग चूज कर सकते थे। बट फ्रेंड कहीं ना कहीं अभी जो यहाँ पर फ्रेंड शेड्यूल अभी फ्रेंड यहाँ पर जेई सी यू पी है वो फ्रेंड जारी नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड मैं आप सभी लोग को बता दूँ कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2022 सेशन जो है फ्रेंड इसमें कहीं ना कहीं जितने यहाँ पर अकॉर्डिंग में फ्रेंड सीटें हैं उससे यहाँ पर 70,000 कम ही बच्चों ने यहाँ पर क्वालिफाई कर पाया। मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम ही दिए हैं तो फ्रेंड यहाँ पर 70,000 बच्चे कम ही हैं फ्रेंड्स की जो यहाँ पर एग्जाम देकर क्वालिफाई हुए हैं। तो फ्रेंड मैं आप सभी लोग को इतना फ्रेंड विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फ्रेंड 8 से 10 राउंड यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर 2022 सेशन में ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग को मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग सोच समझ के यहाँ पर कॉलेज भरिए। मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप सभी लोग फ्रेंड सेकंड राउंड में नहीं मिला तो फ्रेंड थर्ड राउंड में। बट फ्रेंड्स आप सभी लोग को हार नहीं मानना है, आप सभी लोग को अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज चूज करते रहना है फ्रेंड्स और आप सभी लोग को लास्ट तक यहाँ पर कोई ना कोई एक अच्छा जेन्युइन तरीके से कॉलेज मिल ही जाए। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक JEE CUET के स्टूडेंट का रहने वाला है। देखिए फ्रेंड बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि देखिए सर मेरा 35 नंबर है, 20 नंबर है, 2 नंबर है, 1 नंबर है, 250 नंबर फ्रेंड्स कुछ नंबर है तो क्या सर हम फेल हैं कि पास हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर यूपी बोर्डिंग एग्जाम फ्रेंड बैठे हुए हो एंट्रेंस में सभी लोग फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं पास रहने वाले हो। ऐसा फ्रेंड मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ क्योंकि देखिए फ्रेंड जो आप सभी लोग का होता है वो फ्रेंड काउंसलिंग प्रोसेस होता है। अब आप सभी लोग का फ्रेंड्स आप सभी लोग के रैंक के अकॉर्डिंग मतलब कहीं ना कहीं आप सभी लोग को फ्रेंड कॉलेज मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हो फ्रेंड्स आप सभी लोग को मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों का 35 या 36 नंबर है या फ्रेंड्स आप लोगों का 5 नंबर है 1 नंबर है तब भी फ्रेंड्स आप सभी लोग को काउंसलिंग प्रोसेस जरूर करना है। मतलब कहीं ना कहीं आपको फ्रेंड्स काउंसलिंग जरूर करवाना है। इससे फ्रेंड्स ये होगा कि आप सभी लोग के रैंक के अकॉर्डिंग आप सभी लोग को कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग को पता है कि फ्रेंड मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कितने नंबर में यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में यहाँ पर मिलते हैं। तो आप सभी लोग को मैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग को पता है कि मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि आप सभी लोग के यहाँ पर फ्रेंड कितने नंबर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस मिलते हैं। बट फ्रेंड मैं आप सभी लोग को एक बार फिर आपको फ्रेंड बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग को जो फ्रेंड्स यहाँ पर राजकीय पढ़ाई कॉलेजेस मिलते हैं वो आप सभी लोग का रैंक के अकॉर्डिंग मिलते हैं। बट फ्रेंड्स आप सभी लोग का रैंक जो होता है फ्रेंड्स वो आप सभी लोग के मार्क और कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग मान लीजिए अगर आप सभी लोग का कम से कम नंबर है तभी फ्रेंड्स आप सभी लोग को काउंसलिंग प्रोसेस में जरूर भाग लेना है। मतलब कहना कहीं आपको फ्रेंड्स आप सभी लोग को काउंसलिंग जरूर करवाना है। इससे फ्रेंड्स ये होगा कि आप सभी लोग को फ्रेंड्स आप सभी लोग का रैंक के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज आप सभी लोगों को मिल ही जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस फ्रेंड्स 8 से 10 बार होती है। सो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मान लीजिए अगर आपको एक राउंड में काउंसलिंग में अगर फ्रेंड्स आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सभी लोग यहाँ पर नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात करने वाला कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जो फ्रेंड पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर यूपी कोडिंग में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट मुझे कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि अभी प्रीवियस 3 से 4 दिन हुआ है मैंने एक फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो से बनाया था उसमें फ्रेंड जितने भी यहाँ पर यूपी में गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस हैं सभी को लेकर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर उसके बारे में पूरा डिटेल की वो कहाँ स्थित हैं कैसे हैं फ्रेंड्स सारी चीज़ मैं फ्रेंड्स अभी जस्ट यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले अपलोड किया था। फ्रेंड्स आप सभी लोग वो वीडियो देखकर आप अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ यहाँ पर समझ पर बात कर लेते हैं कि जो फ्रेंड्स यूपी पॉलिटेक्निक है उसमें फ्रेंड टोटल यहाँ पर कितनी सीटें रहने वाली हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर फ्रेंड टोटल बात की जाए गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर
तो फ्रेंड्स यहाँ पर नियर अबाउट फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को मैं आपको बता दूं कि 2.5 लाख प्लस यहाँ पर सीटें यहाँ पर यूपी पढ़ने कॉलेजेस में रहने वाली जो फ्रेंड्स यहाँ पर 2.5 लाख प्लस सीटें यहाँ पर यूपी पढ़ने कॉलेजेस में रहने वाली हैं। इसमें फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को बता दूं नियर अबाउट फ्रेंड्स 150 ऐसे कॉलेज हैं कि जो फ्रेंड गवर्नमेंट रहने वाले हैं, और फ्रेंड्स नियर अबाउट यहाँ पर 20 कॉलेज ऐसे कि जो फ्रेंड एडेड रहने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड जितने भी कॉलेजेस हैं वो फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइवेट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को फ्रेंड बता दूं कि आप सभी लोगों को फ्रेंड यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस करना है। अगर फ्रेंड्स आप लोग एक गवर्नमेंट पढ़ाई कॉलेज चाहते हो तो आप लोग काउंसलिंग फ्रेंड सबसे ऊपर पहले आप लोग गवर्नमेंट चूज कीजिएगा, और फ्रेंड उसके बाद अगर फ्रेंड आप सभी लोग फ्रेंड प्राइवेट में मीडियम से लेना चाहते हो तो आप लोग फ्रेंड सबसे लास्ट में यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज चूज कीजिएगा। नहीं तो फ्रेंड क्या होगा कि आप सभी लोगों को प्राइवेट कॉलेज दे दिया जाएगा अगर फ्रेंड आप लोग पहले ही गए यहाँ पर। अगर फ्रेंड्स आप सभी लोग पहले ही प्राइवेट कॉलेज चूज करते हो तो आप सभी लोगों को पहले ही यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज दे दिया जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज आप सभी लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स इसके बावजूद आप सभी लोगों के मन में कोई भी फ्रेंड डाउट हो तो आप लोग फ्रेंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आप सभी लोगों को एक जेन्युइन तरीके से काउंसलिंग करके फ्रेंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर फ्रेंड सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग फ्रेंड यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये वीडियो फ्रेंड थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा होगा तो फ्रेंड आप लोग फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आप सभी लोगों को मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट एक अच्छे अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।